अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ द येलो वॉलपेपर बाय शार्लोट पर्किंस गिलमैन। अब ये जो स्टोरी है द येलो वॉलपेपर, इसके ऊपर राइटर की खुद की जो लाइफ है ना वो डिपेंड करती है। मीन्स टू से दैट हम कहें अगर कि इसका बैकग्राउंड क्या है, तो राइटर ने इस स्टोरी को अपने ही लाइफ से लिया है। अब हुआ क्या था, शार्लोट पर्किंस गिलमैन की जब शादी हुई चार्ल्स स्टेट्समैन से, तो इनकी मैरिड लाइफ इतनी अच्छी नहीं रही थी। शी हैज़ टू फेस सो मच ट्रॉमा ट्रबल्स, इन्होंने बहुत सफरिंग वाली लाइफ गुजारी। इवन के इनकी जब बेटी हुई, इनकी बेटी होने के बाद इनको पोस्टपार्टम डिप्रेशन से फेस करना पड़ा था। अब हुआ क्या, इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन के ड्यूरेशन में इनकी बहुत सी बैटल्स हुई अपने हस्बैंड के साथ। इन्होंने डॉक्टर्स के पास लेके गए, तो डॉक्टर्स जो जो इनको मिले उन्होंने इनको कम्प्लीटली रेस्ट का कहा था। अब यही चीज़ों ने इनको इंस्पायर किया द येलो वॉलपेपर लिखने के लिए। बट एडिशनली मैं आपको बता दूं कि 1884 में इनकी शादी हुई थी चार्ल्स स्टेट्समैन से, बट इन 1888 इन कपल की सेपरेशन हो गई थी। एंड देन इनकी शादी जो थी इनके कज़न से हुई थी, हॉटन गिलमैन से, जिनके बारे में ये क्लेम करती है कि इनसे शादी के बाद जो इनकी लाइफ थी वो काफ़ी अच्छी गुजरी, सेटिस्फाइड थी। फर्दर मोर जो हमारे रिस्पेक्टिव राइटर हैं, ये विमेन इश्यूज़ के बारे में एक लेक्चरर भी रह चुकी हैं, ये लेबर इश्यूज़ को भी डिस्कस करती हैं, फर्दर ये सोशल रिफॉर्म को भी अपनी राइटिंग के अंदर डिस्कस करती हैं। क्लियर। अब जो हमारा रिस्पेक्टिव शॉर्ट स्टोरी है द येलो वॉलपेपर, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अब येलो वॉलपेपर एक सिग्निफिकेंट टाइटल है, इसमें क्या सिग्निफिकेंस है जब हम स्टोरी डिस्कस करेंगे तो आपको साथ साथ क्लियर होती जाएगी। होता क्या है, स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक औरत है, वो डायरी लिख रही है, डायरी एंट्रीज, मतलब डायरी के अंदर अपनी एंट्रीज कर रही है, जो उसकी लाइफ के इवेंट्स गुजर रहे हैं उसने वो सारा कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर। और उसने क्या किया, वो औरत ने अपनी लाइफ के अंदर पोस्टपार्टम डिप्रेशन फेस किया, और उस पोस्टपार्टम डिप्रेशन के ड्यूरेशन में जो जो उसके साथ हुआ उसने वो सारा कुछ अपनी डायरी के अंदर नोट डाउन कर लिया। मींस हम कह सकते हैं कि जो स्टोरी है ये डायरी एंट्रीज की सीरीज की फॉर्म में लिखी गई है। अब नरेटर जो है वो स्टोरी जब शुरू करती है तो कैसे करती हैं, वो बताती हैं कि हम प्रेजेंटली एक लार्ज ऑर्नेट होम में रह रहे हैं। उस घर के अंदर, ऑर्नेट कहते हैं सामान से भरा हुआ घर, उस घर में ये भी हैं, इनके हस्बैंड जॉन भी हैं, और साथ साथ इनके हस्बैंड की सिस्टर जेनी वो भी हैं। इनके हस्बैंड ने और इन्होंने एक हाउस रेंट पे लिया हुआ है, ठीक है। और टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है, समर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग पे हमारे पास दो चीज़ें आई, एक होम आ गया, दूसरा जॉन। होम सिंपल होता है शेल्टर का, पीस का, टुगेदरनेस का, जहाँ पे सब इकट्ठे रहते हैं। बट यहाँ पे हम स्टोरी पे ये देखेंगे वर्ड होम कैसे एक्सप्लोइट किया गया है। मीन्स स्टार्टिंग पे तो होम का वर्ड यूज़ कर लिया गया, लेकिन यहाँ पे कोई भी शेल्टर, कोई भी पीस, कोई भी सुलेस नाम की चीज़ नहीं है, इवन के एक्सप्लोटेशन दिखाई गई है इसके अंदर। और उसके बाद हस्बैंड भी प्रोटेक्शन और शेल्टर प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे जो जॉन है इसका हस्बैंड, वो एक एंटी करेक्टर दिखाई गया है किसके, बिल्कुल प्रोटेक्शन एंड पीस के। मीन्स टू से दैट दिखाया गया वो अपनी वाइफ के साथ रह रहा है, अपनी वाइफ को क्योर करने के लिए उसने घर रेंट पे लिया है, लेकिन इन रियलिटी क्या होता है, उसकी वाइफ क्योर नहीं हो रही होती, वो फर्दर विक्टिम हो रही होती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का, फर्दर विक्टिम हो रही होती है वो क्योर्स का, स्ट्रेस का, डिसऑर्डर का। क्लियर। तो एनी हाउ अगेन स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में बताया गया स्टार्टिंग पे कि उसके हस्बैंड ने उसके लिए एक घर रेंट पे लिया है जहाँ पे वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से रिकवर कर जाए। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसके हस्बैंड की क्वालिटी बताई गई है कि वो एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल मैन है, एक फिजिशियन भी है, और इसके अलावा जो कंट्री है ये कैलिफोर्निया की बताई गई है, और कैलिफोर्निया की कंट्री मींस कहते बड़ी पीसफुल है, वहाँ पे काम एनवायरनमेंट है, फ्रेश एयर है, और ये अपनी वाइफ को यहाँ पे लाया है इसलिए ताकि वो उस फ्रेश एयर में, उस काम एनवायरनमेंट में रहकर बिल्कुल परफेक्टली रिकवर हो जाए, जिस सफरिंग से वो गुजर रही है उस सफरिंग से वो निकल आए, ठीक है। ये इसलिए अपनी वाइफ को यहाँ पे लेके आया है।
लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, उसकी वाइफ को ये इन्वायरमेंट नहीं चाहिए होता, उसकी वाइफ चाहती कि उसके हस्बैंड जो उसकी बात सुने, उसकी परेशानी सुने, लेकिन इन रियलिटी जो भी ये कहती थी, हर हस्बैंड डजंट लिसन, ठीक है, कुछ भी नहीं वो सुन रहा है, ठीक है। नरेटर कंप्लेन करती कि उसका हस्बैंड जो उसको नहीं सुनता, उसकी वरीज को, उसकी कंडीशन को, उसकी परेशानियों को, उसकी जितनी भी जो सफरिंग चल रही है उनमें से एक भी बात नहीं सुन रहा। तो यहाँ पे वही बात हो गई कि हस्बैंड इसको क्योर करने के लिए यहाँ पे लेकर आया है, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है, वो उसको क्योर कर नहीं पा रहा। और इसने क्योर होना कैसे है, वो कहती है मेरी बात को सुनो, लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुन रहा। तो यहाँ पे हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं कि हस्बैंड सिंबल किसका होता है, और यहाँ पे बिल्कुल वो अपने करेक्टर के एंटी रोल प्ले कर रहा है। और फर्दर मोर हम यहाँ पे फेमिनिज्म को भी देख सकते हैं, फेमिनिज्म किस तरह से कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीमेन हो रही है, उसकी बात ना कर सुन के उसको सब ऑर्डिनेट लेवल पे रख के उसको मार्जिलाइज करके उसको एक्सप्लॉयट करके। मार्जिलाइजेशन कैसे हो रही है, जहाँ पे वो वुमेन कह रही है कि मेरी बात सुनी जाए, वहाँ पे उसकी बात सुनने की बजाय उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया कि इसी मोमेंट में ठीक हो जाना है। और इसी इशू को जो हमारी राइटर है यहाँ पे हाईलाइट कर रही है, हमारी राइटर बेसिकली एक फेमिनिस्ट राइटर भी हैं। और फर्दर मोर यहाँ पे एक और मैं बात बता दूँ कि स्टोरी में हम देखते हैं कि डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि जो ये लड़की है, जो नरेटर है हमारी, ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रही हैं, इनको किसी भी किस्म की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज ना होने दिया जाए क्योंकि ये इनके ब्रेन पे जोर देगा, सिवाय डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ की। और यहाँ पे जो वर्ड डोमेस्टिक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया है कि विमेन को है ना सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ तक बाउंड कर दिया गया है, नो इंडिपेंडेंस, नो इंडल्जेंस किसके अंदर, जहाँ पे वो खुद चाहती हैं, वो कोई भी अपनी एक्टिविटीज़, अपनी मर्जी की एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकती। और अब जो इसका हस्बैंड है, उसको इस घर में लेके आए ताकि ये अच्छे माहौल में रह के रिकवर हो सके, लेकिन इन रियलिटी वहाँ पे क्या हो रहा है इसके साथ, ये उस घर में स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ फील कर रही है, मिस्टीरियस एक्टिविटीज़ फील कर रही है, उस घर के बारे में मिस्टीरियस फील कर रही है, उसका हस्बैंड उसको बच्चों की तरह फील ट्रीट कर रहा है, उसकी बात नहीं सुनता, जो वो कहती है उसका बात सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं। तो अब इस घर के अंदर जहाँ पे वो स्ट्रेंज और मिस्टीरियस एक्टिविटीज़ फील कर रही है, उस घर में उसके साथ क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग क्योर वो डे बाय डे फर्दर सिकनेस का विक्टिम बनती जा रही है, उसको फर्दर जो है इसी डिजीज से गुजरना पड़ रहा है, उसकी सफरिंग बढ़ती जा रही है। एनी हाउ ये अपने हस्बैंड को कहती है कि यहाँ पे स्ट्रेंज और मिस्टीरियस एक्टिविटीज हो रही हैं, उसका हस्बैंड उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि सिली फैंटेसी का नाम देकर उसकी बात नहीं सुनी गई। और अब मैंने बताया था आपको कि उसको कोई भी काम करने की परमिशन नहीं थी एक्सेप्ट डोमेस्टिक वर्क। तो वो जो नरेटर है ना, अपने इंटेलेक्चुअल राइटिंग को, अपनी इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन को बहुत मिस करती थी। तो इसी बेस पर उसने क्या किया, नरेटर ने अपने हस्बैंड को बताए बगैर उनसे चोरी चोरी डायरी लिखना शुरू कर दी। ठीक है, डायरी में अपनी लाइफ की, अपनी रूटीन की, एक्टिविटीज़ की एंट्रीज करना शुरू कर दी। घर के टॉप पे एक कमरा था, हस्बैंड एंड वाइफ उस कमरे में चले गए, वहाँ पे रहने लग पड़े, जहाँ पे इन्होंने येलो वॉलपेपर देखा। ठीक है, येलो वॉलपेपर उस कमरे में लगा हुआ था, जैसे पहले वो कोई नर्सरी रह चुकी हो, इस तरह से वो कमरा दिख रहा था। उस येलो वॉलपेपर को देख के ये लड़की, ये नरेटर घबरा गई। और ये येलो वॉलपेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि येलो वॉलपेपर बेसिकली जो हमारे करेक्टर है उनकी जो मेंटल इंस्टेबिलिटी है उनको इंक्रीज करेगी, और ये उनकी मेंटल इंस्टेबिलिटी को भी रिफ्लेक्ट करती है, उनकी इंक्रीजिंग स्टेट ऑफ डिसऑर्डर को भी रिफ्लेक्ट करता है येलो वॉलपेपर। नरेटर को इसी वॉलपेपर के अंदर हेल्यूसिनेशन नजर आएंगी, इंक्लूडिंग अ ट्रैप्ड वुमेन, एक वुमेन जो कि एक जाल में फंसी हुई है। ठीक है, और नरेटर को लगेगा कि वो औरत फंसी हुई, उस औरत को उससे बाहर निकालना है। ठीक है, वो हेल्प मांग रही है। तो ये सारी सिग्निफिकेंस है इस येलो वॉलपेपर की। इसके अलावा ये येलो वॉलपेपर जो सोसाइटी के अंदर ओप्रेसिव फैक्टर्स होते हैं उनको भी सिंबलाइज कर रहा है। फर्दर जो स्टोरी की प्रोसीड है, मतलब स्टोरी को जो चीज़ लेके चल रही है इसके अंदर, पूरे एक्शन के अंदर, वो येलो वॉलपेपर ही है। स्टार्टिंग पे जो नरेटर है वो येलो वॉलपेपर को देखकर बड़ा रिपेल्ड फील करती है। ठीक है,
वो इसको हाइडियस और ऑडियस देख मतलब नजर से देखती है, उसको फील होता है कि ये हाइडियस एंड ऑडियस काइंड ऑफ थिंग है। देन जैसे जैसे वो मेंटल स्टेट उसकी डिटोरिएट होती है, वो इससे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती है। वो अपने सारा का सारा टाइम इसको देखने में गुजारती है, इसके पैटर्न को डेसिफर करने में गुजारती है। एंड फर्दर क्या होता है जी, ये येलो वॉलपेपर ही एक ट्रैपिंग को सिंबलाइज कर रहा है। और फर्दर ट्रैपिंग ऑफ अ वुमेन हम जब देखते हैं ना, वो ट्रैपिंग ऑफ अ वुमेन बेसिकली करेक्टर जो नरेटर है हमारा उसकी अपनी ट्रैपिंग को इंडिकेट करता है। क्लियर? अब होता क्या है आगे, जो हमारी करेक्टर है नरेटर है वो कंटिन्यूसली उस वॉलपेपर से डरती है और डायरी पे लिखती है और डायरी को जॉन से छुपा के रखती है। और ये बिलीव करती है कि जो वॉलपेपर है एक मेलवॉलेंट, ठीक है, एक थ्रेटनिंग काइंड ऑफ फोर्स जो है वो रखते हैं, जो कि पूरे घर के अंदर डरा के रखा हुआ है इस वॉलपेपर ने। अब इसके बाद क्या है, ये अपने घर से एक शेडेड लेन, एक बे, एक ओवरग्रोन गार्डन, ये चीज़ों को देख पाती है। और जब जब ये अपने हस्बैंड और हस्बैंड की सिस्टर जिसका नाम जेनी है उनकी अटेंशन से दूर होती है, एस्केप हो कर पाती है उनकी टेंशन से, तब ये वॉलपेपर को देखना शुरू कर देती है, वॉलपेपर को इमेजिन करना शुरू कर देती है। और इमेजिन करती है कि इस वॉलपेपर के अंदर कोई ना कोई मिस्टीरियस फिगर जो है वो छुपी हुई हुई है, उसके पैटर्न को गौर से देखना शुरू कर देती है। और ये अपने हस्बैंड को कन्विंस भी करती है कि हम लोग को ये घर छोड़ना चाहिए, लेकिन इसका हस्बैंड कन्विंस नहीं होता। ये अगेन एंड अगेन इंसिस्ट करती है लेकिन वो नहीं मानता। और उसके बाद इसका हस्बैंड कहता है कि तुम इस घर में आके जो है ना इम्प्रूव हो रही हो। बहरहाल इसकी बात नहीं सुनी, वो समझता था वो यहाँ पे इम्प्रूव हो रही है, वो सेल्फ कंट्रोल लेके आ रही है एंड सो ऑन। अब उसके बाद क्या होती है, जो नरेटर है वो डिप्रेशन का, फिटीक का शिकार हो जाती है। और डिप्रेशन एंड फिटीक उसको दोबारा से बहुत ज़्यादा वर्सन, बहुत बुरी कंडीशन कर देते हैं उसकी। और उसकी जो वॉलपेपर को लेके फैसिनेशन होती है ना, वो उसकी ज़िंदगी ही ले जाती है। कैसे, हम देखते हैं कि स्टोरी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी डायरी की एंट्रीज जो है वो शॉर्ट करना शुरू कर देती है। वो उसमें बताती है उन एंट्रीज के अंदर, शॉर्ट शॉर्ट वेज में जब काम खत्म करना शुरू करती है ना एंट्रीज के अंदर, वहाँ पे वो अपनी बताती है कि कैसे उसने प्रोग्रेस की, किस तरह से उसने जो पैटर्न है पैटर्न में छुपे सीक्रेट्स को जो है ना अनकवर किया। फिर उसको लगता है उन पैटर्न्स के अंदर जो है ना एक फिगर है क्रीपिंग वुमेन का, एक ऐसी औरत जो कि रिंग रही है और वो इसके बार के पीछे छुपी हुई हुई है। वो उसको आज़ाद कराना चाहती है, वो अपने आप को जो औरत है फंसी हुई वो अपने आप को फ्री करना चाहती है। और ये कहती है कि मैं जो है ना उसकी हेल्प करूंगी उसको फ्री करने में। एनी हाउ ये फर्दर अपने सीक्रेट्स अपनी डायरी के अंदर लिखना शुरू कर देती है और कहती है कि हम लोगों ने जब चले जाना है ना, जब हमारा डिपार्चर है, उस डिपार्चर से पहले नाइट टाइम के अंदर मैं इस वॉलपेपर को रिमूव कर दूंगी ताकि वो औरत जो है वो फीमेल जो है वो आज़ाद हो जाए। और उसके बाद क्या होता है, जब सारा फर्नीचर रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक बेड के, मतलब अपने आप को इसने एक रूम के अंदर लॉक किया, रूम में फर्नीचर था, इसे सारा फर्नीचर साइड पे कर दिया। जब सारा फर्नीचर साइड पे किया तो वहाँ पे एक हैवी बेड था, उस बेड को नहीं मूव कर पाई। एनी हाउ वो बेड वही था। इसने क्या किया, हर जगह से पहले कमरे को कुंडे लगाए, कुंडे लगाने के बाद इसने हर जगह से दीवार से ना जो वॉलपेपर था उसको फाड़ना शुरू कर दिया और पागलों की तरह उस वॉलपेपर को फाड़ती गई है। अचानक इसका हस्बैंड आता है, डोर को खोलता है, खोल के देखता है तो उसकी वाइफ जो है वो उस वॉलपेपर के अंदर लिपटी हुई है और क्रीप यानी कि रेंग रही है, सर्कल की फॉर्म में आगे पीछे हो रही है। और अपनी वाइफ को इस कंडीशन में देख के उसका हस्बैंड जो है वो फेंट बेहोश हो जाता है। लेकिन ये जो लड़की है ये कंटिन्यूसली रूम के अंदर क्रीपिंग कर रही होती है, यानी कि मेंटली तौर पे कम्प्लीटली इसका ब्रेकडाउन हो चुका हुआ है। और इसके इसी मूवमेंट के साथ, मींस टू से दैट एंडलेसली जो क्रीपिंग कर रही है उसके साथ ही जो स्टोरी है उसकी भी एंडिंग हो जाती है। इस स्टोरी में हम लोग को साइको एनालिसिस भी नज़र आता है, अगर हम उसकी थ्योरी अप्लाई करें तो परफेक्टली अप्लाई होगी। थीम इम्पोर्टेंट जो है सेल्फ एक्सप्रेशन और मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, आउटवर्ड अपेयरेंस वर्सेज इनर लाइफ, जेंडर रोल्स एंड डोमेस्टिक लाइफ, मेंटल इलनेस एंड इट्स ट्रीटमेंट, ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट थीम्स थे।
और जो मेजर करेक्टर हम लोगों ने देखे दो ही चल रहे हैं, एक नरेटर और दूसरा जॉन का करेक्टर था। स्टोरी का फुल टाइटल द येलो वॉलपेपर, ये 1980 जून में लिखी गई थी, कैलिफोर्निया में लिखी गई थी, 1892 में पब्लिश हुई थी। लिटरेरी पीरियड इसका गॉथिक है। जनरा की बात की जाए तो शॉर्ट स्टोरी, गॉथिक हॉरर और फेमिनिस्ट लिटरेचर इसके अंदर फॉल करता है। सेटिंग की बात की जाए तो थ्रू एंड थ्रू पूरी स्टोरी जो है एक कॉलोनियल मैंशन के अंदर दिखाई गई है, समर के टाइम पीरियड में, लेट 19th सेंचुरी का ड्यूरेशन। और फर्दर मोर पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर फर्स्ट पर्सन नरेटर और इन ए सीरीज ऑफ डायरी एंट्रीज ये हम लोग को देखने के लिए मिला था। तो यहाँ हमारी स्टोरी हुई कंप्लीट। आई होप कि आपको सारी की सारी स्टोरी क्लियर हो चुकी होगी, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा, स्टे ट्यून्ड, स्टे केयर।